Hi student, welcome to RCI Ajuhab online classes. Class 12 biology, chapter 24 blood circulatory system of human, मानव में परिसंचरण तंत्र. आज का जो टॉपिक है वो है रक्त के कार्य, functions of blood. रक्त के जो कार्य है वो देखेंगे यहाँ पर. सबसे पहले गैसों का परिवहन, रुधिर जो होता है वो ऑक्सीजन व CO2 का परिवहन करता है. O2 को फेफड़ों से ले जाता है शरीर की प्रत्येक सेल्स तक, और CO2 को ये ले जाता है प्रत्येक सेल्स में बनी हुई CO2 को फेफड़ों तक. जाता है O2. तो यहां पर ऑक्सीजन को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का जो कार्य इसके द्वारा किया जाता है, तो वहां पर ऑक्सीजन जो है किस रूप में कोशिकाओं तक पहुंचती है, तो यहां से ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया कर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है. ऑक्सीहीमोग्लोबिन यानी कि रुधिर के द्वारा ऑक्सीजन को ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में प्रत्येक कोशिका तक या अंगों तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है. इसके अतिरिक्त यहां पर आता है CO2 को ये सेल से फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करता है, और CO2 जो होती है ये यहां से दो रूपों में पहुंचाने का कार्य करता है या इसका परिवहन करता है. इसमें बाई कार्बोनेट्स और सेकेंड होता है कार्बामिन्स. CO2 को रुधिर किस रूप में फेफड़ों तक ले जाने का कार्य करता है, बाइकार्बोनेट्स और कार्बामिन्स के रूप में इसको यहां तक ले जाता है. तो पहला पॉइंट जो था गैसों का परिवहन वो कंप्लीट होता है यहां में, O2 और CO2 का ये परिवहन करता है. सेकंड आता है जो खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनका वितरण करना. खाद्य पदार्थों का वितरण जो होता है, इनको आंत्र जो होती है आंत्र से पूरे शरीर के अंदर इसको ले जाने का कार्य भी वो ब्लड के द्वारा किया जाता है. यानी कि अवशोषित जो भोजन है आंत्र में भोजन के पचने के बाद उसका अवशोषण होता है, और अवशोषण के बाद में उसको ब्लड में मिलाया जाता है, और ये ब्लड जो है उसको पूरे शरीर में प्रत्येक सेल तक पहुंचाने का कार्य करता है. थर्ड पॉइंट, उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं उन उत्सर्जी पदार्थों का संवहन करना. कोशिकाओं में बनने वाले कुछ पदार्थ जो हैं वो हानिकारक होते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, इनको शरीर से बाहर निकालने में भी मदद करता है. इसके अलावा फोर्थ जो है हार्मोन का संवहन. हार्मोन जो होते हैं उनको भी पूरे शरीर के अंदर ले जाने का जो कार्य होता है वो ब्लड के माध्यम से किया जाता है, इसको यहां पर समझेंगे. दो प्रकार की ग्रंथियां होती हैं शरीर के अंदर, अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथियां. ब्लड जो है वो कौन सी ग्रंथि से स्रावित होने वाले पदार्थों को पहुंचाने का कार्य करता है शरीर के अंदर, उनमें आता है अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं
अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स हैं, पदार्थ जो हैं, उनको शरीर में ले जाने का कार्य शरीर के प्रत्येक भाग में वो ब्लड के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जो आता है रोगों की जांच। रोगों की जांच, किसी भी रोग की जांच करने के लिए भी ब्लड का उपयोग किया जाता है, रुधिर का उपयोग किया जाता है। रुधिर के माध्यम से बताया जाता है कि वो रोग जो है वो इस संबंधित व्यक्ति में है या नहीं है। नेक्स्ट जो है रोगों से बचाव। रोगों से बचाव, रुधिर जो होता है वो रोगों से हमारी रक्षा करता है। ये कैसे करता है? ब्लड के अंदर हमने इसका जो कणिका वाला जो पार्ट पढ़ा और उसमें हमने पढ़ा WBC, वो WBC के टाइप पढ़े हमने, उन सभी में अधिकांशतः जो इसके प्रकार है या WBC जो है वो प्रतिरक्षा एंटीबॉडी इसका निर्माण करती है। प्रतिरक्षा का निर्माण WBC के द्वारा किया जाता है। WBC किसका पार्ट है? ब्लड का। और शरीर के ऊपर जैसे रोगाणुओं का जो अटैक होता है उनको नष्ट करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? प्रतिरक्षा। इसका निर्माण WBC के द्वारा तो होता है। इस प्रकार से रोगों से भी ये हमारी रक्षा करता है। नेक्स्ट पॉइंट, जल का संतुलन। शरीर के अंदर जल का जो संतुलन होता है उसको बनाए रखने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, दैहिक ताप जो होता है, दैहिक ताप का नियमन, यानी कि शरीर का जो ताप है उसको भी निश्चित बनाए रखने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है, उसको नियंत्रित रखता है, नियंत्रित रखने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, चोटों से मरम्मत। जो चोट लगती है शरीर के अंदर क्षतिग्रस्त जो भाग हैं, उनकी मरम्मत भी रुधिर के द्वारा की जाती है। और लास्ट इसका पॉइंट है रक्त का थक्का जमाना। क्षतिग्रस्त व्यक्ति इस क्षतिग्रस्त भाग से शरीर का जो पार्ट है उसे यदि रुधिर बाहर बहता है तो उस रुधिर को रोकने के लिए उसका थक्का बनाने का कार्य किया जाता है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्लेटलेट्स, यानी कि रुधिर का जो थक्का है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? प्लेटलेट्स के माध्यम से बनाया जाता है। तो इस प्रकार से जो रक्त के कार्य है, कौन कौन से कार्य है उसके बारे में हमने अध्ययन किया है। टॉपिक जो है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।